Am I audible? And am I clearly audible? रहूंगा मैं, ठीक है? तो सो लेट्स कंटिन्यू. गुड इवनिंग. तुम लोगों के मैसेजेस देखने के लिए मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, मोबाइल लाना पड़ेगा. एक मिनट. अभी भी लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं क्या? ओके, एक बार अपने माइक ऑन करके मुझे बताओ कि तुम लोगों का कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करना है. स्टार्टिंग से ही करना है ना? अगर किसी को स्टार्टिंग का पार्ट पहले से बहुत अच्छे से पता है या फिर कुछ, तो इट इज ओके इफ यू डोंट सिट टुडेज लेक्चर, ठीक है? बट ऐसे मत करना कि सब जन रिमूव हो गए, नहीं तो फिर फुकट में प्रॉब्लम. सो मैसेजेस. हेलो, आवाज रेजोनेट हो रहा है क्या? ओके, तो जहां पे तुम लोगों को मेरा डीपी दिख रहा होगा ना, या फिर वहां पे मैसेज मत करना. तुम लोगों को रिनेम कर रहा हूं मैं. ओके, जहां पे मैंने मेरा नाम रिनेम किया है वहां पे मैसेजेस सेंड करना, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू ब्रांड न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल. एंड ये पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो पहले हम लोग देखने वाले, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी बताओ. हम लोगों के पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम लोगों के पास टोटल एलिमेंट्स एक्चुअल में है 92. कितने एलिमेंट, सॉरी 92 क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल एलिमेंट्स हम लोगों के पास एक्चुअल में है 118, ठीक है? 118 एलिमेंट्स है. और इन सबको एक एक करके पढ़ना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? अब 118 एलिमेंट्स के अंदर नेचुरली अकरिंग कितने हैं हम लोगों के पास? तो नेचुरली अकरिंग हम लोगों के पास है टोटल 92 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स है नेचुरली अकरिंग है? तो 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है? टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स अभी तक कितने हो गए? तो टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स अभी तक हो गए है 117, ठीक है? और अनडिस्कवर्ड कितने बच गए हैं? तो अनडिस्कवर्ड अभी बच गए हैं एक. अब एक्चुअल में ये नंबर्स वापस थोड़े बहुत चेंज हो गए, तो याद रखना ये हर साल चेंज होते रहते हैं, तो इसके ऊपर तुम लोगों कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है. अभी टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट 118 के ऊपर चले गए थोड़े बहुत, ठीक है? तो बट 117 तक तो है. और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो है वो कौन सा है? तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 117, ठीक है? तो 118 एलिमेंट टोटल रहने चाहिए, जिसमें से 92 तो हम लोगों को पहले से मिले हैं, ये नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स मैनमेड है, तो टोटल 117 हो जाते हैं. तो मैनमेड एलिमेंट्स अगर तुम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो मैनमेड कैसे फाइंड आउट करोगे? 1117 माइनस 92 करके, ठीक है? तो इसका आंसर तुम लोगों को कितना आएगा? आई गेस 25 के अराउंड आएगा. तो 25 एलिमेंट्स आर मैनमेड ऐसा, ठीक है? तो अब हम लोगों को इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, और ऑब्वियसली इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में डेटा याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना हम लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इनकी प्रॉपर्टीज के साथ इनमें कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या फिर कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, ये सारी चीजें कौन याद रख पाता ना?
ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखने के लिए हम लोगों ने बनाया पीरियोडिक टेबल, मतलब हम लोगों को कोई एक मेथड चाहिए थी जिससे हम लोग इसे इजिली अंडरस्टैंड कर पाए कि 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे है, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट है, ऐसे नहीं है कि हम लोग एक दिन ऐसे ही उठ गए और बोला कि चलो पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं और एक दिन में बना के खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस थी और ये स्टार्ट हुई थी एक ट्राउस्ट करके साइंटिस्ट थे उनसे, ठीक है। तो सबसे पहली थियोरी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा सा पार्ट बोरिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और किसी का तो माइक ऑन है, आई गेस, प्लीज ऑफ कर दो उसे। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग देखने वाले हैं एंड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राउस्ट यूनिटरी थियरी, ठीक है। तो प्राउस्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हम लोगों को यूनिटरी थियरी दी। यूनिटरी थियरी मतलब क्या, तो यूनिट वाली थियरी, ऑब्वियस है। तो यूनिट मतलब क्या रहता है, तो एक छोटी सी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राउस्ट ने क्या बोला, प्राउस्ट ने हम लोगों को बोला दैट ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल नहीं बोल सकते, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन यूनिट्स। तो ऑब्वियस है हम लोगों को स्मॉलेस्ट यूनिट लेना है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के सारे एलिमेंट बने, ऐसे बने बोलने का काम किया प्राउस्ट ने, मतलब क्या। तो अगर हाइड्रोजन खुद लोगे तो हाइड्रोजन एक सबसे छोटा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन खुद का ही बने, ऑब्वियस है। बट हाइड्रोजन का जो मास रहता है, मास हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो मैं अभी जेड से ही लिखने वाला हूँ। हाइड्रोजन का मास रहता है 1, ठीक है। अब उसी के कंपैरिजन में अगर मुझे हीलियम बनाना है तो हीलियम का मास कितना रहता है, 4। तो अगर मुझे हीलियम बनाना है तो हीलियम बना रहेगा 4 हाइड्रोजन के एटम्स से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है प्राउस्ट का क्या था, ठीक है। तो अब उसी बदले अगर मुझे कार्बन बनाना होगा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 12 रहता है। तो कार्बन कितने हाइड्रोजन से बना है, कार्बन 12 हाइड्रोजन से बना है। ये कंसेप्ट देने का काम किसने किया था हम लोगों को, तो ये कंसेप्ट देने का काम हम लोगों को किया था प्राउस्ट ने। और ऑब्वियस है, ये लॉजिकल भी लग रहा है। देखो जिस जमाने में तुम लोगों को एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये कुछ चीजें पता ही नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल भी ढंग से पता नहीं है, उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसे जमाने में तुम लोगों को आके बोले कि अरे हाँ ये सबसे छोटा है, इससे ही सारी चीजें बनी है, तो तुम लोग भी मान लोगे कि हाँ भाई बराबर बोल रहा है, क्यों रॉन्ग होगा ये, ठीक है। बट ये रॉन्ग हुआ, इसकी लिमिटेशन आई। तो ये हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें तुम लोगों को उसकी थियरी और उसका लिमिटेशन क्या था उतना ही देखना है, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन कहाँ पे आई वो देखते हैं। तो ये रॉन्ग प्रूव हुआ और इसकी लिमिटेशन कहाँ पे आई, तो इसकी लिमिटेशन आई एलिमेंट्स हैविंग, जब मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, ये प्राउस्ट यूनिवर्सल थियरी सबसे पहली वाली थियरी है। तो एलिमेंट्स हैविंग फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास में मतलब क्या, तो देखो यूनिट कभी भी उसको हम लोग और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, याद रखना। यूनिट को हम लोग और ज्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है या फिर एक छोटा सा एटम है, और हम लोगों को पता है एटम इज इंडिविजिबल। ये हम लोगों को बताने का काम किसने किया था, तो ये बताने का काम हम लोगों को किया था डाल्टन जी ने, ठीक है। तो डाल्टन जी आए, उन्होंने बोला कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये बोलने का काम डाल्टन जी ने किया था, करेक्ट बोल रहे हो पदाधि का। तो अगर डाल्टन जी ने हम लोगों को पहले से बोल के रखा है, और हम लोगों को एग्जाम्पल में अगर देखना है, तो हम लोगों को ऐसा एलिमेंट मिला जिसमें अटोमिक नंबर फ्रैक्शनल है, मतलब कौन सा, तो क्लोरिन 35.5, सिमिलरली कॉपर 63.5। अगर ये ऐसे मिल गए तो, जब स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं मैं, तो अब ऐसे एलिमेंट में तुम लोग क्या बोलोगे कि 35 अखे पूरे हाइड्रोजन है और एक आधा हाइड्रोजन है, ये पॉसिबल है क्या कि आधा हाइड्रोजन जाए। डाल्टन ने तो बोला है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग हाइड्रोजन इज इंडिविजिबल या फिर एटम्स आर इंडिविजिबल, तो इसे हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आधा हाइड्रोजन जाने के चांस नहीं है। तो दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ प्राउट्स यूनिटरी थियरी, लिख लो ये पार्ट।
अब प्राउस्ट के बाद कौन आए थे? तो प्राउस्ट के बाद आए थे हमारे लवोजियर, ठीक है। तो लवोजियर ने हम लोगों को क्या बताया, सेकेंड थियरी वॉज गिवन बाय ओके लवोजियर आए थे, और लवोजियर ने हम लोगों को क्या बताया, एलिमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और एलिमेंट्स के दो कैटेगरीज कौन सी है? तो एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज है, एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल, ठीक है। हम लोगों को कंबशन की रिएक्शन एक्सप्लेन करके देने का काम भी लवोजियर ने ही किया था, ठीक है। जिसका पहले का लिखना बाकी है लिख लो जरा, कंबशन रिएक्शंस का एक्सप्लेनेशन, ऑक्सीजन के साथ चीजें जल जाती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में चीजें जलना बंद हो जाती है, ये सारी थियोरीज भी हम लोगों को देने का काम लवोजियर ने किया था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लवोजियर ने क्या बोला, मेटल्स जो रहते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड नॉन मेटल्स क्या रहेंगे, तो ये रहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब याद रखना इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का कंसेप्ट हम लोग अभी यूज नहीं करते हैं, हम लोग जो चीजें इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहती है उन्हें लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजें क्या करेंगी, फॉर एग्जाम्पल Na, ये Na प्लस बनाएंगी और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, ये अभी तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ के हो चुके हैं। और इलेक्ट्रो नेगेटिव चीजें क्या करेंगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी और नेगेटिव चार्ज बना लेंगी, ठीक है। तो मेटल्स बनाते हैं कटायन और नॉन मेटल्स बनाते हैं अनायन, ये बोलने का काम किया था लवोजियर ने, ठीक है। एंड लवोजियर ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें और बताई थी, इसलिए इन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इन्होंने ही हम लोगों को कंबशन, जो सबसे बेसिक रिएक्शन है, इंसान ने आग का खोज बहुत पहले से करके रखा था, बट आग जलती कैसे है ये बताने का काम हम लोगों को, ये बताने की काम इन्होंने किया था, ठीक है। तो ऑब्वियस है, हेंस इट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। आग हम लोगों ने खोजी कब थी, जब हम लोग केवमैन के एरा में रह रहे थे, ठीक है। और उसके कई साल बाद इन्होंने हम लोगों को बताया कि आग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। तो नेक्स्ट, अब इसमें लिमिटेशन तो तुम लोगों को पता ही है, इसमें लिमिटेशन अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे तुम लोग बताओ, एलिमेंट्स को हम लोग सिर्फ इतने छोटे बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। एंड एक और एक कैटेगरी आ जाती है मेटलॉइड, अगर वो आ गई तो खत्म ना, ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, करेक्ट बोल रहे हो श्रावणी, ठीक है। तो लवोजियर के क्लासिफिकेशन में ये एक लिमिटेशन थी। उसके बाद आए डोबराइनर, और इसके इनके बारे में तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, डोबराइनर, ओके, ठीक है, डोबराइनर्स ट्राइड, और इनके बारे में जितना बोलो उतना कम है, ठीक है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है इनके बारे में। तो इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी व्हेन थ्री एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, the mass of central element is mean or arithmetic average of mass of other two elements, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा तुम लोगों को कोई पूछने नहीं वाले, अनसर्टेनिटी तुम लोग कॉलेज में जाके एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज में जाके एग्जाम दे रहे हो तो तुम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है, नहीं तो क्यों याद रखोगे ना, तुम लोगों को बट एग्जाम्पल्स याद रखने हैं
एंड तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज डोबराइनस ट्राइड, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऐसे टाइम पे तुम लोगों को क्या लिखना है या फिर क्या सोचना है वो देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स याद रखते हैं, तुम लोगों को रेड कलर अच्छे से दिख रहा है ना, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, अगर ये ले रहे हो तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना रहता है, लिथियम का मास रहता है 7, सोडियम का रहता है 23 एंड पोटेशियम का रहता है 39, ठीक है। अब अच्छा लिथिया रेड कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं रेड कलर में नहीं लिखूंगा। अब सोडियम का मास 23 है, ये हम लोगों को कैसे मिल सकता है, तो सोडियम का मास लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज लेके मिल सकता है। तो लिथियम का मास रहता है 7 प्लस पोटेशियम का 39, और इसका एवरेज लोगे तो डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर हो जाएगा 46/2, और तुम लोगों को मिल गया 23। देखो समझ में आ रहा है क्या, रेड कलर यूज करूं या नहीं करूं, कुछ लोग ना बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं। ओके अब करो, ओके तो रेड कलर यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट बेरिलियम की सीरीज, ठीक है, तो बेटा मांगे कन्या, ठीक है अभी के लिए ये वियर्ड साउंड कर रहा है, बाद में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो बेटा मांगे कन्या, ओके अब बेरिलियम का एटॉमिक मास रहता है 9, मैग्नीशियम का रहता है 24 और कैल्शियम का रहता है 40, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज निकल रहा है क्या वो देखते हैं, तो 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 49 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 24.5, तो ऑब्वियसली 24.5 और 24 क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, तो हम लोग इसको भी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, तो दिस डज फॉलो डोबराइनस ट्राइड, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल इज फॉर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, ठीक है। तो तुम लोगों को ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ये एग्जाम्पल्स मुझे भी याद रहते हैं क्या, रहते हैं कभी कभार मैं भी खुद भूल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तुम लोगों को याद नहीं रखना है, तुम लोगों को क्या याद रखना है, तुम लोगों को ऑप्शन में ये तीन सीरीज दिए रहेंगे, मतलब तीन कंपाउंड दिए रहेंगे, एंड दे विल आस्क डज दिस फॉलो डोबराइनस ट्राइड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो डोबराइनस ट्राइड। तो तुम लोगों को क्या करना है, एटॉमिक मास तुम लोगों को दिया रहेगा, बाय हार्ट कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को सिर्फ एवरेज निकाल के देखना है कि स्ट्रॉन्शियम 88 दिया है, तो 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका आंसर तुम लोगों को आ रहा है क्या 88 के अराउंड, तो देखते हैं ऐड करके, तो ये हो जाएगा 177 डिवाइडेड बाय 2, तो 8.5, तो 88.5 आ रहा है, तो यस दिस डज फॉलो डोबराइनस ट्राइड। तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 31, 75 एंड 120, ठीक है। अब ये फॉलो कर रहा है क्या, देखो श्योर जयेश नो प्रॉब्लम, तो 31 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 151 शादी का शगुन डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 75.5, ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं तुम लोगों को सारे तो लिख के दे दूंगा, बट सारों का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करते बैठने वाला अभी, ठीक है। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर का एटॉमिक मास रहता है 32, टेल्यूरियम का रहता है 79 और सेलेनियम का रहता है 79 और टेल्यूरियम का रहता है 127। देन आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन का रहता है 35.5, ब्रोमीन का रहता है 79.9 एक्चुअली, तो 80 दिया है यहाँ पे, मेरे नोट्स में 80 है तो मैं 80 लिख रहा हूँ, एंड आयोडीन का रहता है 127, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इनके अलावा एग्जांपल पूछ सकते हैं क्या, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल रहेंगे जो मिस होने ही वाले हैं, ठीक है, बट तुम लोगों को ऐसे टाइम पे सिर्फ एवरेज निकाल के देखना है, तो कर पाओगे ना। ओके तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। डोबराइनस ट्राइड इसकी लिमिटेशन क्या थी, इस थियोरी की लिमिटेशन क्या थी, तो नॉट ऑल एलिमेंट्स
follows this trend. ठीक है, सारे एलिमेंट्स ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं क्या? तो नहीं, सारे एलिमेंट्स इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं. जब एटॉमिक मास और एग्जांपल तुम लोगों को दिए जाते हैं हर टाइम, ठीक है, और सिर्फ पूछते हैं कि ये डोमेडेनोस्ट्रॉइड फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता. ठीक है, तो ये थर्ड थियरी थी. अब इसके बाद हम लोगों को फोर्थ की तरफ जाना है. उसके पहले मुझे बताओ किस किस का लिखना बाकी है. सबका हो गया है क्या लिख के? नहीं. ओके ओके. और जहां पे मेरा नाम लिखा है उस अकाउंट के ऊपर ही मैसेजेस करो, वहां से ही मैं चैट्स रीड कर रहा हूं. ओके, हो गया होगा सबका लिख के, या अभी भी किसी का बाकी है? तो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये भी तुम लोगों ने सुना है, सारे गामा पधनी. ठीक है, तो ऑक्टेट रूल नहीं, वो ऑक्टेव्स रूल है. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ठीक है, अब मुझे पता है कि तुम लोगों ने वो डोरे मी सा समथिंग कुछ तो सुना है. ठीक है, तो हम लोग वो सब नहीं लिखते बैठने वाले हैं. हाँ, तुम लोगों को टेंथ में था या अभी अभी तुम लोगों की टेंथ की नोटबुक्स अपडेट की गई है. ठीक है, हमारे जमाने में हमारे सर सारे गम पद निशा पढ़ाते थे. मैं भी तुम लोगों को सारे गम पद निशा ही पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, वो ग्रीक जर्मन जो कुछ पढ़ा था वो मुझे नहीं आता. ठीक है, तो लॉ क्या था वो हम लोगों को इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है. वो डोरेमी वो समथिंग जो कुछ है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. तो ऑक्टेव लॉ क्या बोलता है? वेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो कैपिटल जेड से, एटॉमिक मास. देन एवरी एट्थ एलिमेंट resembles the first element in series. ठीक है, तो यहां पे एक advantage करके लिख देना कि हमारे न्यूलैंड के थियोरी का एडवांटेज क्या था. तो एडवांटेज, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोरिलेट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विथ एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो ये पहला ऐसा इंसान था जिन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वही अपने को पता नहीं रहेगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो द प्रॉपर्टी विच रिपीट्स आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सम टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद अपने आप रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है. तो इसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के साथ कोरिलेट करने वाला ये पहला इंसान था. ठीक है, तो ये एडवांटेज था. इसके पहले किसी ने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं की थी, बट इन्होंने दी हम लोगों को एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो वही हम लोगों के सा रे ग ग रहता है या गा रहता है जो कुछ रहता है म प ध नी एंड वापिस आ जाएगा सा. ठीक है, तो सा रे ग म प ध नी सा. ठीक है, एंड सारे ग म प ध नी सा कैसे आएगा?
तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहां तक ये एक्चुअल में फॉलो कर रहा था। हम लोगों को सबको पता है कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये एक ही फैमिली को, ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड इन सबकी वैलेंसी क्या रहती है, तो इन सबकी वैलेंसी +1 रहती है। ये सब लोग हेलोजन के साथ रिएक्ट करके LiCl, NaCl, KCl ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इनकी भी प्रॉपर्टी सेम रहती है, BCl2, MgCl2, CaCl2, सेम एलिमेंट्स बनाते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, सेम प्रॉपर्टी, BCl3, AlCl3। तो तुम लोगों को कोरिलेशन समझ में आ रहा होगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी। और कौन सी प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, हर एक एट एलिमेंट जो था वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था। तो सा रे ग म प ध नि सा में वापस जैसे सा रिपीट होता है, वैसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम, लिथियम की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। तो ये बताने का काम किया था हमारे न्यूलैंड सर ने। तो न्यूलैंड सर ने हम लोग को ये बताया, और फिर हम लोगों को इसकी मिल गई लिमिटेशन। ऑब्वियस है, इसलिए हम लोग ये टेबल पढ़ते नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, तो नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम। उसके बाद अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं ना, इसीलिए तो नॉट एप्लीकेबल आफ्टर, बहुत गंदा हो गया, आफ्टर कैल्शियम। क्यों, तो इसका रीजन भी चाहिए, तो लिख दो, ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट अभी से ही रीजन लिखोगे तो अच्छा होगा। तो इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों, तो इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक, प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक। एक्चुअली ये प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक नहीं आना चाहिए, डी ऑर्बिटल आना चाहिए, बट ठीक है, तो लिख लो। ये छोटी छोटी थियोरीज है, फटाफट कर लेंगे, एंड फिर हम लोग मेन पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएंगे। अभी इसके बाद हम लोग मेंडलीव्स नहीं पढ़ने वाले, इसके बाद हम लोग लॉथर मेयर पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले। मेंडलीव के पहले लॉथर मेयर ने भी बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। ओके, किसी का लिखना बाकी है क्या, शायद से नहीं है, स्टार्ट कर देते हैं ना। नेक्स्ट इज लॉथर मेयर्स पीरियोडिक टेबल, मतलब लॉथर मेयर्स थियोरी। तो उसके बाद आए थे लॉथर मेयर, फिफ्थ साइंटिस्ट, अब लॉथर मेयर ने किया क्या? तो लॉथर मेयर ने हमारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया, ठीक है। तो अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। तो एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया था। अब देखो, तुम लोगों ने एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, एक फॉर्मूला तो सुना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, अब तुम लोगों को क्वेश्चन रहेगा ना एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे किया, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वॉल्यूम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे किया, तो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट किया बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास बाय डेंसिटी। तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी,
ठीक है, तो ये फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया और उसे अप्लाई करके एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया और उनका ग्राफ प्लॉट किया. तो ग्राफ का नेचर कैसे था वो देखते हैं. अब देखना, ग्राफ बहुत अच्छे रहते हैं, वो हम लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किसके वर्सेस किसका ग्राफ प्लॉट किया, तो एटॉमिक मास या डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, एटॉमिक मास माने जेड एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है, इसका ग्राफ जब उन्होंने प्लॉट किया तो इनको ग्राफ कैसे आया, तो सबसे पहले तो इनका ग्राफ ऐसे एकदम नीचे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड ये ऐसे बढ़ गया. ठीक है, वापस ये थोड़ा सा ऐसे कम हुआ, इनका ग्राफ ऐसे ऊपर से एक्चुअली स्टार्ट हुआ बोल सकते हैं हम लोग. हाँ, तो ऐसे बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर वापस ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, फिर वापस ये ऐसे अचानक से जुप करके बढ़ गया. फिर वापस ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गया. फिर वापस ये जुप करके बढ़ गया. अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं ऐसे. और वापस ये थोड़ा सा कम होने लग गया. ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाले वो देखो. इन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए ग्राफ के ऊपर हमेशा एक मेटल ही आएगा. कुछ भी हो जाए ये ग्राफ के ऊपर जो है वो हमेशा एक मेटल ही रहेगा. ठीक है, तो उन्होंने जब नोटिस किया तो ग्राफ के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर लिथियम था, दूसरे के ऊपर सोडियम था और तीसरे के ऊपर पोटेशियम था. फिर उन्होंने हम लोगों को बोला कि ग्राफ के एकदम ऊपर वाले स्लेंडर पॉइंट पे, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे ऊपर ऊपर जाते वक्त इस पॉइंट के ऊपर हमेशा प्रेजेंट रहेगा क्लोरीन, क्लोरीन ये वाले एलिमेंट्स. ठीक है, तो हैलोजन जो है वो ऐसे पीक के यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे. ये बताने का काम किसने किया, तो ये भी बताने का काम हम लोगों को लॉथर मेयर ने किया. ठीक है, तो अगेन दूसरी चीज, एक मिनट एक मिस्टेक है. मिस्टेक क्या है पता है तुम लोगों को. हाँ, तो यहाँ पे ग्राफ के डिसेंडिंग पोजीशन पे, सॉरी ग्राफ के डिसेंडिंग पोजीशन पे तुम लोगों को मिलेंगे ग्रुप टू के एलिमेंट्स, मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, एंड जो मैंने तुम लोगों को बताया था फ्लोरिन, तो फ्लोरीन एकदम ऊपर वाले नहीं एकदम नीचे वाले पोजीशन पे मिलेंगे हैलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन एंड कंटिन्यूड. ठीक है, तो इस ग्राफ के ऑब्जर्वेशन क्या थे. याद रखो इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो ग्रुप वन के एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल्स ये सबसे ऊपर रहते हैं, मतलब इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है या सबसे कम है वो बताओ. ग्रुप वन मतलब अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स ये सबसे ऊपर है, मतलब इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है या सबसे कम है. ओके, तुम लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे होंगे ना, एक मिनट. सबसे ज्यादा है, करेक्ट. ठीक है, तो इन्होंने क्या हम लोगों को बताया दैट अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स हैव हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है, मतलब वो सबसे ऊपर रहने वाले. ठीक है, दूसरी चीज मुझे बताओ हैलोजन्स सबसे नीचे है, मतलब इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा या सबसे कम. तो हैलोजन्स हैव लीस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, लीस्ट एटॉमिक वॉल्यूम. तो अल्कली मेटल्स से हैलोजन की तरफ बढ़ते बढ़ते एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा. अल्कली मेटल्स से हैलोजन्स की तरफ बढ़ते वक्त एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा. अरे बोलो, देखो अल्कली मेटल मतलब लिथियम, हैलोजन मतलब फ्लोरीन,
तो अटोमिक वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो कम होते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे अटोमिक मास बढ़ रहा है, इस तरफ अटोमिक मास बढ़ रहा है, अटोमिक मास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम लोगों का अटोमिक वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया, एज अटोमिक मास इंक्रीजेस अटोमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, तो फोर्थ छोटे छोटे दो पॉइंट है, लिख के रखो। अल्कली मेटल्स जो है, अल्कली मेटल्स वो हमेशा टॉप ऑफ द ग्राफ रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हैलोजन्स जो है वो हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे बॉटम और डिसेंडिंग पोजीशन। ठीक है, लिख लो ये। सर कैन यू स्क्रॉल अप अ बिट? सफिशियंट है इतना? आई गेस सफिशियंट हो जाएगा। देखो सर वो ऑब्जर्वेशन बाद में लिखे, वो ऊपर वाला नहीं दिख रहा ग्रीन। ओके चलेगा, जूम कर लेना। हाँ सर इनफ है। थर्ड पॉइंट नहीं समझा, एक मिनट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ना, ओके, एटॉमिक मास इंक्रीजेस एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये वाला पॉइंट देखो। यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास कितना रहता है 7, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना रहता है 19। तो लिथियम सबसे ऊपर है, मतलब लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, और फ्लोरीन सबसे नीचे है, मतलब इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो जिसको डाउट था, क्लियर हो गया डाउट, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लॉथर मेयर्स कर्व माइट कम, देयर आर सम चांसेस, फ्यू, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं इनके ऊपर। हिस्ट्री वाला पार्ट वो यूजुअली पूछते तो नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो यू शुड नो इट। ओके तो चलो आगे कंटिन्यू करें, हो गया लिख के सबका। नहीं सर 2 मिनट। तो लेट्स मूव फर्दर, किसी का बाकी होगा तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो एक, एंड आगे बढ़ते हैं। अब लॉथर मेयर के बाद, ठीक है, ओके, लॉथर मेयर के बाद आए हमारे मेंडलीव। ठीक है, एंड मेंडलीव को इतना माना क्यों जाता है, मेंडलीव ने बहुत सारी भविष्यवाणी कर ली थी। भविष्यवाणी कैसे वो बताता हूँ, देखो। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मेंडलीव ने हम लोगों को क्या बताया, मेंडलीव ने हम लोगों को पहले तो उसका एक पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, पीरियोडिक लॉ मतलब क्या, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का तो मीनिंग मैंने तुम लोगों को बताया, कुछ समय के बाद वापस रिपीट होंगी, तो वो रिपीटेशन क्यों हो रहा है उसका उन्होंने लॉ दिया। तो उन्होंने क्या बोला, द केमिकल, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर सॉरी मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, द केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ पीरियड के बाद वापस रिपीट होंगी, तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब क्या, तो हम लोग जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाते जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, हेंस दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ये बताने का काम किया था मेंडलीव ने। अब मेंडलीव के दो पीरियड टेबल है, ठीक है, तो ओरिजिनल पीरियडिक टेबल और एक मॉडिफाइड है। तो ओरिजिनल पीरियडिक टेबल मेंडलीव का कैसे था, ओरिजिनल पीरियडिक टेबल, तो ओरिजिनल पीरियडिक टेबल मेंडलीव का जो था उसके अंदर थे 12 ग्रुप, कितने ग्रुप्स थे, तो 12 ग्रुप्स थे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर थे 7 पीरियड, कितने पीरियड्स थे, तो 7 पीरियड। ग्रुप और पीरियड क्या रहता है वो हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देख लेंगे, अभी के लिए ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। एंड उसके बाद आता है मॉडिफाइड फॉर्म, मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल, ठीक है। एंड मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल में टोटल 9 ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप्स थे, तो 9 ग्रुप्स थे, ठीक है, और टोटल 9 ग्रुप्स और 7 पीरियड थे, 7 पीरियड थे, ठीक है। तो 9 ग्रुप्स का नाम था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 0 ग्रुप, ठीक है, तो 0 ग्रुप। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0 ग्रुप, ये ऐसे 9 ग्रुप्स थे वहां पे, मतलब 9 वर्टिकल लाइंस थे, याद रखना ग्रुप्स मतलब क्या, तो वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो ये ऐसे वर्टिकल कॉलम्स थे यहाँ पे, कितने टोटल थे, तो 9 थे, ठीक है। एंड सिमिलरली पीरियड थे, पीरियड कितने थे, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये ऐसे पीरियड टोटल 7 थे, तो 3, 4, 5, 6 और 7, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब न्यूमोनिक्स शायद से आज स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो पहले 7 एलिमेंट्स 7 ग्रुप्स हैं, पहले 7 ग्रुप्स, ठीक है, तो ना ये टेबल तुम लोगों को ड्रॉ ऐसे टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 से लेके 8 तक लिखना और बाद में 0 लिखना। ये 7 ग्रुप्स जो थे वो ए और बी सीरीज के बने थे, मतलब 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, एंड आठवां जो ग्रुप था इसके अंदर टोटल 3 कॉलम थे, कितने कॉलम थे, तो 3 कॉलम थे, एंड ये सिंगल कॉलम था, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितने कॉलम्स बने, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, 6A 6B, 7A 7B, टोटल 14 हो गए वहां पे। 14 के बाद 15 16 17, 3 कॉलम 8 के, तो 15 16 17, और 0 ग्रुप मतलब 18, तो टोटल 18 हो गया। एंड ये अगर देखोगे तो सिमिलर टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल ही है ना, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी 18 ग्रुप्स रहते हैं, तो टोटल 18 ग्रुप्स है यहाँ पे, किसी का तो माइक ऑन है बंद करो, सिमिलर टू इसका माइक ऑन है ये, तो 18 ग्रुप्स है टोटल, एंड 18 ग्रुप्स मतलब दीज आर सिमिलर टू, मतलब दे आर सिमिलर टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो लिख लो ये, दिस इज सिमिलर टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। किसी को डाउट है कि 18 कैसे, वापिस एक बार देखते हैं, देखो ए और बी ऐसी यहाँ पे दो सीरीज रहने वाली है पहले 7 कॉलम में, मतलब 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, तो वैसे 7 के दो सीरीज रहने वाले, मतलब टोटल 14 हो गए, ठीक है। 7 तक 1A 1B, 2A 2B ऐसे करते जाओगे तो टोटल 14 कॉलम यहाँ पे ही हो जाएंगे। उसके बाद
तीन कॉलम तो आठवें ग्रुप में है, तो तीन कॉलम आठवें ग्रुप में मतलब 14 के बाद 15, 16 और 17, एंड फाइनली सिंगल वाला एक जीरो ग्रुप है। तो सिंगल वाला अगर एक जीरो ग्रुप है तो वहां पे कितने हो जाएंगे? यशस्वी, योर वीडियो इज ऑन। तो सिंगल वाला अगर जीरो ग्रुप आ गया तो जीरो ग्रुप के केस में क्या हो जाएगा, ये 17 के बाद 18 हो जाएंगे, तो टोटल 18 ग्रुप्स आ गए। ठीक है, 14, ये 14 ग्रुप्स, बाद में ये 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, ओके। तो दिस वॉज सिमिलर टू आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब उसके बाद अपने मेंडलीव ने जो भविष्यवाणी की थी, देखो अगर मैं आज उठ के बोल दूं कि तुम लोग सब लोगों को दो दो बच्चे हो जाएंगे तो तुम लोग विश्वास करोगे कि लाइक है कुछ भी बोल रहा है, मैं एक ही करूंगा। तो इट इज अप टू अस, मतलब इट इज नॉट अप टू अस दैट वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। बराबर, हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि ये ऐसे होने ही वाला है या फिर ये ऐसा ही है, बट मेंडलीव ने ऐसे एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था। मेंडलीव ने क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था? तो मेंडलीव प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट पोजिशंस फॉर देम इन इट्स पीरियोडिक टेबल। तो उसके पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ पोजिशंस वेकेंट रख दी थी, किसके लिए? तो कुछ अनडिस्कवर्ड कंपाउंड्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए, और उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की उसने प्रॉपर्टी एक्यूरेटली बता दी थी। अब ये कौन से एलिमेंट्स थे? तो ये एलिमेंट्स थे इका सिलिकॉन, ठीक है, दूसरा था इका एल्यूमिनियम, तीसरा था इका बोरॉन एंड चौथा था इका मैंगनीज। ठीक है, तो इका सिलिकॉन जो था वो बाद में फाइंड आउट होने के बाद मालूम पड़ा कि वो था गैलियम। इका एल्यूमिनियम जो था, इका एल्यूमिनियम जो था वो फाइंड आउट होने के बाद, इका सिलिकॉन जो था वो निकला जर्मेनियम। ठीक है, इका एल्यूमिनियम जो था वो निकला गैलियम, इका बोरॉन जो था वो निकला स्कैंडियम, और इका मैंगनीज जो था वो निकला टेक्नीशियम। ठीक है, तो ये ऐसे चार चीजें उसने प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, इका मतलब आफ्टर, ठीक है, मतलब उसने सिलिकॉन के बाद पोजीशन रख दी, सिलिकॉन के बाद उसने लिखा इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन मतलब क्या? तो आफ्टर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के बाद ये चीज आएगी। इका का मीनिंग क्या है? तो आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर सिलिकॉन ये चीज आएगी। कौन सी चीज आएगी? कुछ तो आएगा, उसका नाम तुम लोग बाद में डिसाइड कर लेना, ठीक है, बट कुछ तो आने वाला है। अब इसको याद कैसे रखे? तो इसको तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, सीता गीता से अलग, ठीक है, अलग, इसको तुम लोग हिंदी में ही लिख देना, देवनागरी में लिखना, अलग अलग, ठीक है, बीएससी नहीं, एमटेक है। ठीक है, तो सीता और गीता दोनों अलग है, एक ने बीएससी किया है तो दूसरे ने एमटेक किया है, तो ये तुम लोगों का निमोनिक याद रह सके तो अच्छी बात है, वो नहीं याद रख रहे तुम लोग डायरेक्ट बाय हार्ट कर दो, दोनों में से कोई भी एक चल जाएगा। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या बोला? जर्मेनियम जो है वो भी एक मेटालॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला सिलिकॉन जो है वो एक मेटालॉइड है। सिमिलरली गैलियम जो है वो एक मेटल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला एल्यूमिनियम जो है वो भी एक मेटल है। स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी। क्यों? क्योंकि बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैंगनीज अपने मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियम अपने मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंगनीज अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें, एनॉर्मस थिंग्स ही टोल्ड अस, एंड ये बाद में प्रूव हुए। तो उसने लेजिट फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यही रहने वाली है, और वो वैसी ही थी। तो ये इतना कोरिलेशन था, इसलिए हम लोग मेंडलीव को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये मेंडलीव के मेरिट्स में से एक मेरिट था। ठीक है, सिमिलरली
मेंडेलीव ने और एक चीज क्या की थी, तो मेंडेलीव करेक्टेड, एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है. व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन मतलब समझा नहीं मुझे, कौन था थर्ड? बोरॉन और सिलिका, स्कैंडियम बोल रहे हो क्या? लास्ट वाला एक्सप्लेन करो. लास्ट मतलब मैंगनीज और टेक्नीशियम. ओके देखो, मैंगनीज मैक्सिमम प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, वैसे ही टेक्नीशियम भी प्लस सेवन स्टेट में जाता है. मतलब मैंगनीज भी अपने सात इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो टेक्नीशियम भी अपने सात इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को मेंडेलीव ने बताई थी, ठीक है. तो ये आगे जाके तुम लोग पढ़ने ही वाले हो, ये हम लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ना है, डी ब्लॉक में है ये, ठीक है. तो अभी तुम लोगों को इसका इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दोनों प्लस सेवन स्टेबल रहेंगे. ये बताने का काम किसने किया था? तो मेंडेलीव ने किया था. वैसे ही बोरॉन और स्कैंडियम दोनों प्लस थ्री में स्टेबल रहेंगे, मतलब स्कैंडियम प्लस थ्री में स्टेबल रहेगा, ये बताने का काम किसने किया था? तो मेंडेलीव ने किया था, ठीक है. अब करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स मतलब क्या? तो बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक मास हम लोग समझते थे है 13.5. कितना है? 13.5 है. ये हम लोगों का गैर समझता, ठीक है, मतलब ये हम लोग गलत समझ रहे थे, तो विच वॉज रॉन्ग. तो इसे करेक्ट करने का काम किसने किया? तो इसको करेक्ट करने का काम किया मेंडेलीव ने. बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 है, ये बताने का काम किया मेंडेलीव ने, तो उन्होंने इसे करेक्ट किया, ठीक है. तो ये करेक्ट कैसे किया, ये मेंडेलीव ने हम लोगों को बताया, ठीक है. अब मेंडेलीव जी ने ये हम लोगों को कैसे बताया? तो बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले हम लोग मानते थे प्लस थ्री, ठीक है, ये हम लोग मानते थे, जो कि था रॉन्ग, ठीक है. तो मेंडेलीव ने हम लोगों को बताया कि ये प्लस टू है. कितनी है? प्लस टू. तो मेंडेलीव ने क्या बोला? अब ये 13.5 लो और इसे डिवाइड करो थ्री से, फिर इसे मल्टीप्लाई करो टू से, क्योंकि ये प्लस टू है, प्लस थ्री नहीं है, तो प्लस थ्री से डिवाइड करो और बाद में मल्टीप्लाइड बाय टू करो, तो तुम लोगों को आंसर मिलेगा 9.0. देखना ये करके तुम लोगों को आंसर 9.0 ही मिलेगा. तो बेरिलियम का एटॉमिक मास हो गया 9.0, ठीक है. तो अब इससे भी, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें से ये बेरिलियम एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बट ऐसे और है, तो तुम लोग बाकियों के कैसे याद रख सकते हो? तो यू बेमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम, गोल्ड, मराठी लिखने की आदत निकल गई है, गोल्ड प्लैटिनम चुराता है, ठीक है. तो यू माने, यू माने यूरेनियम, बेमान माने बेरिलियम, इंसान माने इंडियम, गोल्ड मतलब गोल्ड, प्लैटिनम मतलब प्लैटिनम, ठीक है. तो ये पांच एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास हम लोगों को मेंडेलीव ने करेक्ट करके दिए थे. तो लिख लो ये, एंड फाइनली मेंडेलीव के ये एडवांटेजेस तो थे, उसके साथ बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए थे, ठीक है. अरे नहीं, ये जस्ट क्या बोलते हैं ना, ये मैंने लिख के दे दिया, मतलब बना दिया. ओके तो आगे चुराता है का कुछ है नहीं, मतलब उस दर कुछ एलिमेंट आने वाले नहीं है, बट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वो लिखा है हम लोगों ने, और कुछ नहीं. अब आगे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स याद रखो, ये assertion and reasoning टाइप में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर which of the following is correct और wrong में आ सकता है, तो demerits याद रखना. तो सबसे पहला demerit ये था that position of hydrogen was not fixed, वो आज तक fix नहीं है, तो उनकी उतनी कुछ गलती नहीं थी. position of hydrogen is not fixed, और इसका reason तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है. अगेन ये पूरा theory वाला part है, तो तुम लोगों को सिर्फ ये याद रखना है,
नो सेपरेशन वॉज गिवन टू आइसोटोप्स, नो सेपरेशन वॉज गिवन टू आइसोटोप्स, मतलब क्या? तो देखो अभी मेंडलीव ने क्या बताया कि पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। अब अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है तो हाइड्रोजन H1 भी रहता है, हाइड्रोजन H2 भी रहता है एंड हाइड्रोजन H3 भी रहता है कि नहीं। हाइड्रोजन के रहते हैं दो आइसोटोप, एक रहता है ड्यूटेरियम, दूसरा रहता है ट्रिटियम और ये रहता है प्रोटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। अगर हाइड्रोजन के तीन अलग अलग आइसोटोप्स है, हर एक का मास अलग अलग है तो ऑब्वियसली हर एक को अलग अलग पोजिशन मिलनी चाहिए, बट वहां पे इतनी स्पेस नहीं थी या फिर इतना सेपरेशन हम लोग नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग हर एक आइसोटोप को अलग अलग पोजिशन दे पाए। तो मेंडलीव ने यहाँ पे अपना खुद का लॉ ब्रेक कर दिया, अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो अलग पोजिशन मिलनी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज था। अब थर्ड डिसएडवांटेज ये था दैट लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वर नॉट गिवन प्रॉपर पोजिशंस, ठीक है। अब याद रखो उस जमाने में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स बहुत कम थे, हम लोगों को ज्यादा मिले भी नहीं थे और एक्टिनॉइड्स में तो ज्यादा से ज्यादा मैनमेड है, ठीक है। तो तब बहुत कम लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स थे और इनको पुट कहाँ पे किया जाए वही नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत सेम रहती है, तो इसे कहाँ पे पुट किया जाए वो मेंडलीव नहीं बता पाए हम लोगों को, ठीक है। एंड फोर्थ इन मेनी पोजिशंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वॉज नॉट फॉलोड, ठीक है। बहुत सी जगहों पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर फॉलो नहीं किया था मेंडलीव ने, मतलब क्या? तो देखो अभी मुझे बताओ आर्गन और पोटेशियम में, ठीक है, आर्गन और पोटेशियम में आर्गन का एटॉमिक मास रहता है 40 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास रहता है 39, तो पहले कौन आना चाहिए? तो पहले आना चाहिए था पोटेशियम, दूसरा कौन आना चाहिए था? आर्गन, बट पहले कौन आता है? तो आर्गन आता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ और एग्जाम्पल थे हम लोगों के पास, दूसरा है टेल्यूरियम और इंडियम एंड तीसरा है कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखोगे? तो आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं, ठीक है, ये कुछ अजीबोगरीब चीज है। आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं, ठीक है। अब याद रखो हर एक का कुछ ऐसे मीनिंग रहना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं रहता, ठीक है, एंड हर एक का कुछ मीनिंग रहेगा ऐसा भी नहीं है, हम लोगों को जस्ट वो याद रखने के लिए हेल्प हो जाए तो भी सफिशियंट है। तुम लोग इसको डायरेक्ट भी ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो निमोनिक्स याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस, ठीक है, लिख लो ये जरा कंप्लीट करो। रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी वो तो मैं नहीं बता सकता, तो अब फाइनली बाद में आया हमारा सेवेंथ और लास्ट
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फाइनली आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किसने किया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया था बोर, मोजले, बरी एंड रेंज, ठीक है। तुम लोगों ने बोर, बरी ऐसे कभी सुना होगा शायद से, एंड फाइनली रेंज, ये चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाने का काम किया था। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखने का काम किया था मोजले ने, ठीक है। तो इन्होंने दिया हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलते हैं तुम लोगों को ये पता ही होगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता क्या है? तो इट सेज दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग हो गई यहां पे कि हम लोग एटॉमिक मास से चले गए एटॉमिक नंबर के ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। ओह शिट, ये मैं हर टाइम कर रहा हूं। ओके, तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है, और ऊपर जहां जहां पे मैंने एटॉमिक मास के लिए जेड यूज किया था ना, प्लीज चेंज इट टू ए। ये मेरे हर टाइम का प्रॉब्लम है, थोड़ा करता हूं मैं कभी कभी मिस्टेक ये। तो एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, तो यहाँ पे ए कर देना सिर्फ, ठीक है। ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देने का काम किसने किया? तो मोजले करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया, एंड मोजले ने ये लॉ कौन से बेसिस पे दिया तो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मोजले ने हम लोगों को बताया कि इन्होंने बहुत कंपाउंड्स का लिया एक्सरे डायफ्रेक्शन, ठीक है, क्या लिया उन्होंने, एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडीज की, और उसमें एक्सरे डायफ्रेक्शन में हम लोग करते क्या है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं, ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। आयनाइजेशन क्या रहता है वो तुम लोग को पता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। तो एक्सरे एक एलिमेंट के ऊपर ऐड करके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने का काम स्टार्ट किया मोजले ने, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा, फ्रिक्वेंसी ऑफ माय एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास बट इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का काम किसने किया? तो मोजले ने किया। इन्होंने ये कैसे फाइंड आउट किया? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, ठीक है, याद रखना न्यू मतलब क्या, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, एंड जेड मतलब क्या, तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने का काम हम लोगों को मोजले ने करके दिया कि अगर तुम लोग एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडीज ले रहे हो, एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडीज मतलब क्या, तो तुम लोग एक एलिमेंट के ऊपर एक्सरे ऐड कर रहे हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, और निकल रहा है तो कौन से फ्रिक्वेंसी पे निकल रहा है, ये फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये फाइंड आउट करके देने का काम तुम लोगों को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट करके अच्छे से समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो एक्सरे की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर अगर कम होगा तो एक्सरे की फ्रिक्वेंसी घटेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को बताने का काम मोजले ने किया, एंड इन्होंने फाइनल हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज इक्वल्स टू ए इनटू जेड माइनस बी, वेर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट्स, ठीक है, जो हम लोगों को अभी देखना तो है नहीं, बट ये मोजले का लॉ था, ये फाइंड आउट करके देने का काम किया मोजले ने, ठीक है। और फिर इसके बेसिस पे बोर ने हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना के दिया, ठीक है। तो लिख लो ये, इतना मिनिमाइज करते इसे थोड़ा, तो ये सारी डिटेल्स लिख दो।
ओके तो ये जस्ट हिस्ट्री वाला पार्ट था, ये अभी सारा बोरिंग पार्ट खत्म हो गया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न पीरियडिक टेबल. अब तुम लोगों को अगेन एक बड़ा सा टेबल ड्रॉ करना है एज यूजुअल. ठीक है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए सिर्फ मेरा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा बार बार. हाँ ठीक है, हो जाएगा. चलो, तो अब मॉडर्न पीरियडिक टेबल तुम लोगों को कैसे ड्रॉ करना है, तो याद रखो सिंपली तुम लोगों को सबसे पहले तो स्टार्ट करना है एक टू बाई सिक्स के बॉक्स से. ठीक है, तो एक छोटा सा बॉक्स बनाना जिसके अंदर तुम लोगों को छह कॉलम्स ऐड करने हैं, सॉरी दो कॉलम ऐड करने हैं और दो कॉलम्स एंड उसके बाद छह वर्टिकल लाइंस. तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ठीक है, अब इसके बाद तुम लोगों को इस सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करना है और एक बड़ा सा ब्लॉक वापस बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को वापस 10 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कॉलम नीचे भी एक लाइन पुट कर देते तो एक रेफरेंस लाइन मिल जाएगी. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ. ठीक है, अब ये टेंथ कॉलम अगर तुम लोगों का मेरे जैसा ही थोड़ा बच जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फिर हम लोगों को इसी को एक्सटेंड करना है एंड वापस तुम लोगों को ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके लेके जाना है सो दैट इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल हाइट एंड देन वापस इसे एक्सटेंड करना है राइट हैंड साइड पे. ठीक है, एंड अभी सेकेंड टाइम एक्सटेंड करने के बाद वापस तुम लोगों को यहाँ पे छह कॉलम्स मैनेज करने हैं. ठीक है, तो बनाते जाओ. ये तुम लोगों को पता ही है टेबल कैसे बनाना है बाय द वे, तो कंटिन्यू करो. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फाइनली सिक्स्थ. ठीक है, लास्ट में हीलियम के लिए एक छोटा सा कॉलम ऊपर बना के रख देना. ठीक है, जहां पे हीलियम आएगा. एंड हमारा हाइड्रोजन यूजुअली हम लोग ग्रुप वन में दिखाते हैं बट वो अकेला रहता है. ठीक है, मतलब ग्रुप वन से थोड़ा अलग रहता है बिकॉज इट कैन बी अकोमोडेटेड इन टू ग्रुप वन एंड ग्रुप 17 एज वेल. ठीक है, तो ये हो गए हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का लेआउट एंड इसे कंप्लीट कर दो पीरियड्स बना के. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 पीरियड रहते हैं. ठीक है, मेरे साथ ही ड्रॉ कर रहे थे ना. सो फाइनली नीचे की तरफ एफ ब्लॉक के लिए जगह रखना मत भूलना. एफ ब्लॉक के ऊपर तुम लोगों को एक खादा क्वेश्चन आता है गलती से, ज्यादा नहीं आते बट स्टिल इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को पता चलते हैं, बहुत उनका एक्सप्लेनेशन मिलता है, एक्सेप्शन आते हैं जिसकी वजह से एफ ब्लॉक की वजह से. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन
14 वाला बन गया, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल और हम लोग अभी इसको कम्प्लीटली फिलअप करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट टू एंड हम लोग इसे फिलअप करने वाले हैं, सिर्फ बता दो तुम लोगों का ड्रॉ करके हो जाए तो याद रखना पीरियड्स रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी ग्रुप्स है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और पीरियड्स कैसे रहते हैं, तो पीरियड्स रहते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ग्रुप और पीरियड इनका यूज क्या रहता है वो देखते हैं। अब याद रखो एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहते हैं दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रहते हैं दे हैव सेम प्रॉपर्टीज, तो एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट उसी बदले पीरियड का यूज क्या है, पीरियड में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी आती है, तो एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं, मोल्स क्या लिख रहा हूँ, शिट सॉरी शेल्स, ओके ओके। तो सेम नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं कहाँ पे, तो पीरियड के अंदर, ठीक है। तो आदित्य थैंक यू। एंड सेम नंबर ऑफ शेल्स अगर होंगे तो वो एक में आएंगे, सेम प्रॉपर्टीज रहेंगे तो एक ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसे हम लोगों को फिलअप करना स्टार्ट करना है। याद रखो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इनके न्यूमोनिक्स देखना स्टार्ट करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स मतलब सिंपली शॉर्टकट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे शॉर्टकट्स देखना स्टार्ट करने वाले हैं। एंड न्यूमोनिक्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, अब मुझे बताओ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का सबने सुना है क्या, तो मुझे ड्रॉ कर लिखने की मेहनत बच जाएगी थोड़ी। ओके अगर किसी ने निमोनिक्स की रिकॉर्डिंग पहले से देखी होगी तो डेफिनेटली यू गाइस कैन लीव, ठीक है। तो फर्स्ट 10 का सबको पता है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट 10 का सबने देखा है, लेफ्ट मत करना, वापस एक बार तुम लोगों को रिवीजन होगी तो अच्छा ही है। बट ऐसा कोई है जिसको हाय लीना लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट ये पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ओके तो कोई मैसेज तो नहीं कर रहे हैं, तो आई गेस सबको पता है टिल फर्स्ट 20 सबको पता है, तो सेकेंड फर्स्ट 20, ओके। तो पहले 20 एलिमेंट्स का हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम लोग स्किप कर देते हैं, ओके। अब उसके बाद हम लोग ग्रुप वाइज जाने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप वन से स्टार्ट करते हैं, वो जरा अच्छा है। तो पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हम लोग फिलअप कर दे। याद रखो पीरियड टेबल तुम लोगों को 2 मिनट में फिल करने आना चाहिए, ठीक है। 2 से मैक्स टू मैक्स 3 मिनट। तो हाय हीना लिसन बी बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। बाद में ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ठीक है। उसके बाद हम लोग कौन है ये बीच में आवाज करने वाला, उसके बाद हम लोग ग्रुप वाइज जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप वन। अब ग्रुप वन कैसे होगा वो देखते हैं। तो ग्रुप वन के लिए तुम लोग को याद रखना है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है।
हाय हेलो, हाँ वही जो कुछ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, तो तुम लोगों को जिस किसी का नाम पता नहीं है या फिर तुम लोगों को चाहिए होगा तो मुझे जस्ट बता देना, मैं लिख दूंगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो पुट कर देते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप वन के बाद क्या आएगा, तो ग्रुप वन के बाद आएगा ग्रुप टू। लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप टू। बेटा मांगे कैंडी, नहीं अच्छा कन्या, हाँ कन्या सुंदर बाप राधी, परफेक्ट। तो ग्रुप टू, ठीक है, ये यूजुअली होता नहीं है बट स्टिल, बेटा मांगे कन्या सुंदर, अच्छी दिखने वाली, ठीक है, बहुत रेयरली होता है। एंड बाप राजी, ठीक है, अब ऑब्वियस है हमेशा होता तो है नहीं बट लेट इट बी। तो बेटा बेरिलियम, मांगे मैंगनीज, कन्या कैल्शियम, सुंदर स्ट्रॉन्शियम, बाप बेरियम, राजी रेडियम। ठीक है, तो याद रखो रेडियम ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो हमारे घड़ी के डायल्स में एंड ऑल हम लोग पहले के जमाने में यूज करते थे, ये बहुत रेडियो एक्टिव है तो हम लोगों के लिए बहुत टॉक्सिक भी है। ठीक है, इससे तुम लोगों को इजीली कैंसर हो जाता है, हो सकता है। तो निमोनिक्स क्या थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ठीक है, अब हम लोग जाने वाले डायरेक्ट ग्रुप 13 की तरफ। पहले हम लोग सारे वर्टिकल कॉलम्स छे छे वाले कंप्लीट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 13 एंड ग्रुप 13 का करेक्ट बोल रहे हो प्रथमेश, ग्रुप 13 का है बैगेट। ठीक है, ग्रुप 13 बैगेट। ठीक है, ये एक बैग्स का ब्रांड है, बहुत महंगा आता है। ठीक है, बैग्स का ब्रांड बैगेट। एंड ये हो जाएंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब तुम लोग इसके लिए और कोई निमोनिक भी यूज कर सकते हो, तो वैसे और एक भी है, बाल गंगाधर टिलक। ठीक है, उसके साथ बैंगन आलू गाजर इन थैला, बहुत सारे तुम लोगों को मिलेंगे। बैगेट एक छोटा सा निमोनिक है तो मुझे वो ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं यही लिखा के दे देता हूँ। अब बैगेट के बाद आगे हम लोग देखने वाले ग्रुप 14 के लिए, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, करेक्ट। ठीक है, तो ग्रुप 13 के लिए ग्रुप 14 के लिए वी हैव केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, तो ये हो गए हम लोगों के ग्रुप 14 के निमोनिक्स, लिख लो एंड फिलअप कर देते हैं। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। ओके, अब ग्रुप 15 लिख के हो गया यहां तक सबका, या किसी का बाकी है? ओके, तो ग्रुप 15 का लिख लेते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, तो ये तुम लोगों को सबको पहले से पता है क्या, मतलब सबने ये वीडियो देखा था क्या? तो न्यूजीलैंड, नहीं नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को होमवर्क में बोला तो था बट सबने किया था क्या? न्यूजीलैंड, ओके, कुछ लोग हैं जिनको नहीं है पता, तो कुछ लोग अभी रिसेंट में ज्वाइंट हुए लग रहे, तो कुछ लोगों को नहीं पता। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है,
तो अभी तुम लोगों को न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को भिखारी बोलना है, या नाना पाटेकर और ऐश्वर्या को भिखारी बोलना है, वो तुम लोगों के ऊपर है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अपने कुछ दोस्त रहेंगे तो उनका भी नाम ऐड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसका कैसे हो जाएगा? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक सब का हो जाता है एंटीमनी, एंड भिखारी का हो जाता है बिस्मत। ठीक है, तो लिखते जाओ मेरे साथ धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। तो ग्रुप 15, ग्रुप 15 के बाद आते हैं ग्रुप 16। ये एकदम आध्यात्मिक है। हा, पॉट का मीनिंग नहीं बता सकता, सॉरी। तो ग्रुप 16, अब ग्रुप 16 का कैसे होता है? ओ शिवा। ठीक है, सी द पॉट। ठीक है, तो बहुत आध्यात्मिक मीनिंग है इसका, क्या बताए नहीं बता सकते। ठीक है, तो ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, शिवा स्टैंड फॉर सल्फर, सी स्टैंड फॉर सेलेनियम, टी स्टैंड फॉर टेल्यूरियम, एंड पॉट स्टैंड फॉर पोलोनियम। ठीक है, तो ओ शिवा सी द पॉट, मस्त है, सुंदर है सर। आध्यात्मिक मतलब, अरे आध्यात्मिक मतलब इट इज जस्ट अ जोक। समझ में आ जाएगा शायद तुम लोगों को किसी दिन, या फिर अपने किसी फ्रेंड को पूछ लेना जिसको ये एक्चुअल में समझा होगा। अभी के लिए मैं इसका मीनिंग नहीं बता सकता। अरे और शिवा, शिवा मतलब लॉर्ड शिवा ना, शंकर भगवान, शंकर भगवान। ठीक है, तो समझ आ गया। ओके, तो शंकर भगवान आध्यात्मिक मतलब, शंकर भगवान और कुछ नहीं। तो इसीलिए तो ओ शिवा सी द पॉट, एंड ठीक है आगे। बाकी मैं अभी ऑनलाइन लेक्चर है, रिकॉर्डिंग चालू है, तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो ग्रुप 17, ग्रुप 17 के लिए आएगा फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। करेक्ट, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। इसके लिए तुम लोगों के पास और एक न्यूमॉनिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। नेक्स्ट इज ग्रुप 18, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, परफेक्ट। तो ग्रुप 17 के बाद आएगा ग्रुप 18, एंड ग्रुप 18 का हो जाता है हीना नीना और करीना, और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो हीना माने अपना हीलियम, नीना माने नियॉन और माने आर्गन, करीना माने क्रिप्टन, जेरोक्स मतलब जेनॉन, एंड रंगीन मतलब रेडॉन। तो चलो पुट कर देते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, उसके बाद आता है ओ शिवा सब भिखारी, ओ शिवा सी द पॉट। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। उसके बाद आता है हीना नीना और करीना के जेरोक्स, करीना के जेरोक्स रंगीन। ठीक है, तो ये है हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के निमोनिक। तुम लोगों को पता है ये ब्लॉक्स कौन से क्या क्या रहते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के निमोनिक्स देखने हैं, बट लेक्चर ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने आ गया है, तो हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, अभी रुक जाते हैं। मैं भी पूरे सुबह से लेक्चर ही ले रहा हूँ, तुम लोगों के फर्स्ट लेक्चर के बाद मेरे और लेक्चर्स भी थे। तो विल स्टॉप ओवर हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो टिल देन सी यू नीचे नेक्स्ट टाइम। करो सर, सर जूम आउट करके थोड़ा रुकना। हाँ ओके, 7:30 तक मैं रुकता हूँ। ठीक है, जिस किसी का लिख के हो गया है दे कैन लीव, और तुम लोगों के ग्रुप पे मैं PDF सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट टू। ठीक है, एंड आई एम वेटिंग टिल 7:30 इफ यू वॉन्ट, जिसको लेफ्ट करना है दे कैन लीव। बाय बाय।
थैंक्स ओमकार. आदित्य ये प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे, डोंट वरी. जितना आप रीड करोगे, जितना हम लोग वापस रिवाइज करते रहेंगे, उतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो ना. एक मिनट. अद्वैत अभी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, आप समझ लेना, आपको पता भी होगा इसलिए आप पूछ रहे हो. ओके डन सर, थैंक यू. बाकी के लोग हो गया है क्या सबका लिख के? स्क्रॉल लिटिल बेटा. कैन इट बी स्क्रॉल लिटिल बेटा अप. ओके ओके. तो सबका अगर लिख के हो गया होगा तो वी कैन स्टॉप. अगर किसी का बाकी होगा तो जस्ट हैंड रेस करो. बाय नंदिनी. बाय कृष्णा. ओके लिख के अगर हो गया होगा तो मीटिंग लीव करते रहना, सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि लोग जा रहे हैं एटलीस्ट. बाय सो. बाय बाय सो. थैंक यू सो. बाय बाय. ओके तो अभी भी है कोई जिसका लिखना बाकी है? बाय बाय. ठीक है तो अभी 10 के नीचे लोग हैं एंड किसी का लिखना बाकी है तो जस्ट हैंड रेस करो और एल्स वी कैन स्टॉप द मीटिंग. Let's stop today's lecture and see you next time. Bye bye.